श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा आज 12 जून 2024 को पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसका आनंद आप 9 जून से 15 जून 2024 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने रोचक पत्रों के साथ साथ कुछ उपयोगी जानकारी दी है। साथ ही हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के राधा विवाह प्रसंग में उठे विवाद में प्रेमानंद महाराज जी द्वारा एक वीडियो आया है, जिसमें वह गुस्से में नजर आए हैं और उस वीडियो में उन्होंने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में कई प्रकार की बातें भी कही हैं। और आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने सरल, साधारण और श्रेष्ठ स्वभाव का परिचय देते हुए उनके वीडियो का जवाब दिया है। इस वीडियो को में गुरुजी ने आज क्या क्या कहा है उस वीडियो के बारे में और उन प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, उसी को हम आपको सरल भाषा में आज के वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। हम आपको बता दें, आज 12 जून चौथे दिन की ओमकारेश्वर में चल रही पवित्र शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 7 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का अस्तित्व आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज तारीख क्या है? 1 दर्जन, आधा दर्जन, 2 दर्जन, मतलब 12/6/24, 12 जून 2024 है। और गुरुजी ने कहा, आपको भोलेनाथ से भी यह प्रार्थना करना चाहिए कि आप भी हम पर एकाध आधा दर्जन कृपा जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह 4 अगर आपके जीवन में है तो यह आपके जीवन को संवारने का कार्य करते हैं। पहला है अच्छा मित्र, दूसरा है अच्छी पुस्तक, अच्छी किताब, अच्छा विषय, तीसरा है अच्छा रास्ता और चौथा है अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि, अच्छा विचार। अगर यह 4 आपके जीवन में अच्छे हैं तो यह आपके जीवन को सदैव संवारने का ही कार्य करते हैं। आपको जीवन में हमेशा उन्नति ही देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। रमाबाई जी खंडवा से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी जन्म से ही बहरी थी, उसे सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बचपन से ही ऐसी है, जीवन भर ऐसी ही रहने वाली है। उसे सुनने में कम का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। हमारे पड़ोसी ने सीहोर में जाकर वहाँ पर रुद्राक्ष लाने को कहा। हमने वहाँ पर जाकर कंकड़ शंकर का पूजन करने के बाद रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष वाला जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाते, थोड़ा सा प्राप्त करके बेटी को पिला देते, बेलपत्र भी खिला देते और बेलपत्र को उसके कान के पास रख देते और रुद्राक्ष वाला जल देना शुरू किया। और अब बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, ओमकारेश्वर में चल रही है शिव महापुराण कथा 15 जून को पूर्ण हो जाएगी और अगली शिव महापुराण कथा 18 जून से गंडई छत्तीसगढ़ में होगी। और इस कथा का नाम गुरुजी ने बताया उमा महेश शिव महापुराण कथा होगा, जिसे आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पाँचवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महेश के वंशज महेश्वरी समाज वालों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि 15 जून महेश नवमी की तिथि आ रही है, इसलिए उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। कृष्णाबाई पटेल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी संतान नहीं थी, 16 साल तक औलाद नहीं हुई थी। डॉक्टर को दिखाया, गोदी भरवाई, सब जगह गए पर कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। 2021 में पहली बार आपकी शिवपुराण कथा सुनना शुरू किया। आपके बताए अनुसार तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफ़ेद आगरे की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। इसके बाद गुरुजी ने उन्हें व्यासपीठ की बेलपत्र भी प्रदान करी। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं और बहुत ही विशेष जानकारी की ओर, जिसे आप सभी को सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह विवाद बहुत बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें प्रेमानंद महाराज जी का भी एक वीडियो आया है, जिसमें वह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी पर गुस्सा करते हुए नजर आए हैं। अब हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, धीरे धीरे बताएंगे ताकि आपको भी आसानी से पूरा मामला समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हम बता दें, यह विवाद जो है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कई वर्षों पुरानी एक शिव महापुराण कथा की क्लिप से है, जिसमें गुरुजी ने राधा प्रसंग किया था, राधा जी का वर्णन किया था और उनके विवाह के बारे में कुछ जानकारी कही थी। अब हम आपको बता दें, आज गुरुजी ने क्या कहा है, जो कि प्रेमानंद महाराज जी के गुस्से वाले वीडियो के बाद गुरुजी की पहली प्रतिक्रिया थी जो आज आई है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि हमने आपको पहले ही प्रमाण दे दिया है कि हमने क्या कहा है, कहां से कहा है, पर जिसकी दृष्टि में सीहोर वाला महाराज गलत है, वह कितने ही प्रमाण दे दे, उनकी नज़र में वह हमेशा ही गलत ही रहने वाला है। माता जानकी भी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। अब आगे गुरुजी ने क्या कहा वह भी सुन लीजिए। गुरुजी ने कहा, इस व्यासपीठ में बैठते समय मेरी माँ ने कसम दी थी और कहा था,
व्यासपीठ से बस वही बोलना जो शास्त्रों में लिखा है और हम उनका ही अनुसरण करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने विशेष जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, आप ब्रह्मवेवर्त पुराण में राधा जी का वर्णन है वह पढ़िए, पेज नंबर 173 में जो वर्णन है उसी के अनुसार हमने बात कही है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप राधा रहस्य में राधा जी का प्रसंग देख सकते हैं, उसके अनुसार हमने जानकारी दी है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, गौरी संप्रदाय के निकलने वाली पुस्तक के अनुसार भी हमने जानकारी दी है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, ब्रज 84 कोस में अनय घोष का जो मंदिर है वहाँ पर आप जाकर देखिए, उस अनुसार हमने प्रसंग बोला है। गुरुजी ने कई सबूत आज फिर से सभी के सामने वापस रखे। गुरुजी ने कहा, और बात है राधा रानी की तो वह मेरी माँ है। 1999 में मैंने पहली बार कथा करी थी, तब हमारे पास पैसे भी नहीं थे। दूसरों की दुकानों में हम कार्य किया करते थे और पैसे को जोड़कर माता राधा रानी के बरसाने की 51 परिक्रमा करी थी, और ना जाने कितनी परिक्रमा हमने गोवर्धन की करी है। और गुरुजी ने बताया, राधा रानी तो माँ है, उनके चरणों में सदैव मेरा शीश पड़ा हुआ है, और माफ़ी की बात है जो मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहते हैं मैं बता दूं उनको, मेरा और मेरा पूरा परिवार माता राधा रानी के चरणों में पड़ा हुआ है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि मैंने जो बोला है सब प्रमाण से बोला है, और जिस जिस को सीहोर वाले महाराज से प्रमाण चाहिए वह सीहोर कुबेरेश्वर धाम खुला है, उनके लिए आकर प्रमाण ले सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, और मैं ब्रज के प्रेमानंद महाराज जी जो हैं उनके चरणों में दंडवत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। एक बार वे मुझसे बोल देते कि क्या बात है, कहाँ से बात कह रहे हो, तो मैं उनका दास हूँ, मैं दंडवत करते हुए उनके पास जाता और उनको सारी बातें बताता कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि वे राधा रानी के परम भक्त हैं, मेरे प्राण भी उनके चरणों में न्योछावर हैं। अगर वे एक बार मुझसे बोल देते तो मैं उनके चरणों का जल का आचमन करता और उन्हें जवाब जरूर देकर आता। अब उनके जैसे इतने बड़े संत के मुख से भले ही गुस्से में या जैसे भी प्रदीप मिश्रा जी का नाम लिया गया, वही सुनकर ही मैं धन्य हूँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा, और ब्रज के सभी लोगों को अगर मेरे से मेरे वाणी से कुछ चोट पहुँची है तो मैं उन सभी से क्षमा चाहता हूँ, पर जो बात कही है, जो प्रमाण के साथ बात कही है, वह प्रमाण मैं अपने साथ अपने जीवन भर रखूँगा। सत्य पर जिया हूँ, सत्य पर ही जीऊँगा, क्योंकि शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम है। आज की कथा में गुरुजी ने प्रेमानंद महाराज जी का गुस्से वाला जो वीडियो आया है, जिसमें वह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी पर गुस्सा करते हुए नजर आए हैं, उनका काफ़ी सरल और सुंदर तरीके से जवाब दिया है। आपको कैसा लगा है? आपको कहाँ तक लगता है कि गुरुजी ने कुछ गलत कहा है, या फिर गुरुजी ने जो सभी जानकारियाँ दी हैं शास्त्रों के अनुसार दी हैं? गुरुजी ने बहुत सारे प्रूफ भी आपके सामने रखे हैं, सभी जानकारी गुरुजी ने आपको बताई है, और गुरुजी का जवाब देने का तरीका भी कितना अच्छा है। इतने बड़े विवाद होने के बाद भी, इतना बड़ा गुरुजी का वीडियो आने के बाद भी, प्रेमानंद महाराज जी को गुरुजी ने बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से जवाब दिया। एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को गुस्सा आया है। यही एक बड़े साधु और संत की निशानी होती है, उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है, जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस और अन्य उपयोगी जानकारियां भी देते हैं, तो उसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।